नमस्कार, बीसी न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में वैक्सीनेशन के 102 करोड़ डोज का आंकड़ा पार, रिकवरी रेट 98.19% पर पहुंचा। शेयर बाजार हरे निशान पर, सेंसेक्स 30 अंक की तेजी के साथ खुला। बीते 24 घंटे में देश में 12,428 नए मामले आए सामने, 356 मरीजों की हुई मौत। पुलवामा के 40 शहीदों को गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि, सीआरपीएफ कैंप में गुजारी रात। दूध के वाहन में 25 के बोरी तंबाकू जब्त, व्यापारी समेत 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज, जरीपटका पुलिस की कार्यवाही। धर्मपीठ महिला सोसाइटी द्वारा एक अनोखी पहल शुरू, बिजली का बिल भरने की सुविधा कराएगी जाएगी उपलब्ध। सदर फ्लाईओवर से गिरे युवक की मौत, सोमवार की रात हुई घटना। श्रीनगर में स्वास्थ्य दान एवं चिकित्सा शिविर का उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी ने किया। एनसीपी नेता नवाब मलिक का दावा, एनसीपी के किसी अज्ञात अधिकारी ने उन्हें लेटर भेजा। 4.5 घंटे देरी से आए इंटरसिटी यात्री परेशान, स्टेशन पर हंगामा, अधिकारी टेंशन में। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।